हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आलू का पकौड़े बनाने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको नाश्ते में खा सकती हैं। और वीडियो में एंड तक बने रहिए, और न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आलू का पकौड़े बनाने शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 2 छीला हुआ आलू ले लिए हैं, जो कि इसको अच्छी तरह से धुल लिए हैं। अब आलू को मैं कद्दूकस करूंगी। इसी तरह हम दोनों आलू को कद्दूकस कर लेंगे। और हम आलू को कद्दूकस कर लिए हैं। तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज से आलू का पकौड़े का टेस्ट और अधिक बढ़ जाता है। इसको हम बहुत पतले में काटेंगे। आप प्याज को डाल सकती हैं, नहीं भी डाल सकती हैं। प्याज डालने से इसका और अधिक टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ पर हरी मिर्च और हरी धनिया काट कर डाल दे रहे हैं, और हल्दी पाउडर। और नमक और जीरा अजवाइन। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पे हम बेसन लिए हैं। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के मिला लेंगे। इसको हम 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही मिला देंगे। और पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर गैस ऑन कर दिए, इसमें एक बर्तन रख दिए हैं। और इसमें हम आयल डालेंगे। और आयल गर्म हो गया है, और गैस का आंच में मीडियम रखूँगी। और यहाँ पर मैं पकोड़े डाल दूंगी। और ऊपर से जब पकौड़े का कलर चेंज होने लगेगा तो इसको हम पलट देंगे। अब इसका कलर चेंज होने लगा है तो इसको हम पलट देंगे। और इसको हम गोल्डन ब्राउन तक तलेंगे। अब मैं गैस का आँच लो रख दूंगी, ताकि पकौड़े क्रिस्पी बने। तो पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह हम पकौड़े को फिर से तल लूँगी।
और पकौड़े का कलर चेंज होने लगा है, तो इसको मैं दूसरे साइड पर रख दूंगी। और इसको हम गोल्डन ब्राउन तक तलेंगे पकोड़े को। तो पकौड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है, वो अच्छी तरह से क्रिस्पी बन गया है, तो इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। तो पकौड़े बनके तैयार हो गया है। और बहुत ही क्रिस्पी बना है। आप इसको चाय या तो फिर चटनी के साथ खा सकती हैं, सुबह या शाम को नाश्ते में भी ले सकती हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।